हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली डेली करेंट अफेयर्स क्विज 25th of November के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस रेड बटन पे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे एंड इस बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन इजली मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक नई सी सुबह का, एक नए दिल से, एक अच्छे मन से स्वागत करना है। कल रात को क्या हुई, कल तक क्या हुई, कितने प्रॉब्लम्स थे, किससे लड़ाई हो गई, किसने क्या कहा, एग्ज़ाम में मार्क्स मार्क्स नहीं आए, घर में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ों को नहीं सोचना क्योंकि उसका रास्ता क्या है आप बस सोच सकते हैं। उससे कुछ होगा क्या, आप सोच के देखो, उससे कुछ नहीं होना है। बस आपकी मेहनत और आपका खुद पर विश्वास आपको आगे ले जाएगा। सो याद ये रखना है आपको कि सपने आपके हैं तो पूरा भी तो आप ही करोगे, ना ही हालात आपके बस में हिसाब से होंगे और ना ही लोग। सो बी कॉन्फिडेंट एंड अपने लक्ष्य के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सिक्स विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बनी है? कौन है वो महिला जो दुनिया की सिक्स विश्व चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर बनी है? इनका नाम है मैरी कॉम। अब आज का क्वेश्चन ये है कि मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का क्वेश्चन आप लोगों का यही है, ठीक है? तो देखिए, मैरी कॉम ने हन्ना ओकोता को हराया है। हन्ना ओकोता को हराकर फाइनल में इन्होंने सिक्स विश्व चैम्पियन का खिताब अपने नाम पे कर लिया है। एक इतिहास रचा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली है, ठीक है? और अगर इनकी मेडल की बात की जाए ना, तो इनका ये 7वां मेडल है, क्योंकि एक बार इन्होंने सिल्वर भी जीता हुआ है। 6 गोल्ड तो जीते हैं, एक सिल्वर भी जीता हुआ है। अगर मेडल की बात आती है, ओवरऑल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सिक्स विश्व चैम्पियनशिप कौन बन गई है, तो ये हमारी दुनिया की पहली बॉक्सर महिला है जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली है, पूरी दुनिया की, ठीक है? तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और हाँ, इनकी जो कैटेगरी थी ये भी ध्यान रखना है, 48 kg की वेट कैटेगरी में इन्होंने ये चीज़ जीता है, ठीक है? ये मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस और फेफड़े रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वें संघ विश्व सम्मेलन की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस और फेफड़े का जो रोग होता है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है वो फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन करवाएगी। अब ये हो रहा है पहले किस देश में, तो ये तो क्लियर हो गई, ये भारत में होगी। अब भारत का कौन सा शहर है जो उसकी मेज़बानी करने वाला है, या कह लीजिए कि उसे होस्ट करने वाला है? ये है हैदराबाद, ठीक है? हैदराबाद इसे होस्ट करने वाला है और ये चलेगी आपकी 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 में, और ये 4 दिनों का होगा। तो बस अभी इतना ध्यान रखना है कि ये हैदराबाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत कौशल रिपोर्ट अनुसार कौन सा राज्य उच्चतम रोजगार के साथ राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? भारत कौशल की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार उन्होंने राज्यों की सूची तय की, ठीक है? राज्यों का एक लिस्ट बनाया है कि रोजगार के मामले में, मतलब कौन राज्य में कितने ज़्यादा रोजगार है, उसके हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है। अब उसमें सबसे उच्चतम राज्य कौन सा है रोजगार के साथ, तो ये है आंध्र प्रदेश। हमारे ऑप्शन जाते हैं ए, आंध्र प्रदेश। ये कहा गया है कि इस भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि 47% रोजगार बढ़े हैं इस राज्य में, ठीक है? और अगर देखिए, दूसरे नंबर पे आई है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है हरियाणा, पर यहाँ बात कर रहे हैं कि पहले नंबर पे कौन है, शीर्ष पे कौन है, तो ये है आंध्र प्रदेश। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, आंध्र प्रदेश। चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 351 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है? यह है गुजरात की सरकार। गुजरात की सरकार एशियाई शेर की संरक्षण, मतलब उनके रक्षा के लिए उन्होंने एक परियोजना स्टार्ट की है, जिसमें 351 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए, जैसे कि हम जान रहे हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में वहाँ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का प्रकोप था, अभी हाल में ही न्यूज़ में था, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि शेरों की रक्षा के लिए ये परियोजना स्टार्ट की है। इस परियोजना में 108 आपातकालीन सेवा जो है, इमरजेंसी सेवा के समान, यहाँ एम्बुलेंस वैन शामिल होंगे। 120 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा पशु चिकित्सा के लिए, ठीक है? अस्पताल, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि पास सफारी पार्क का भी इन्होंने बनाने का निर्णय लिया है गुजरात में,
तो ये सारी चीज़ें थी, ओवरऑल हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। माउंटेन मेडिसिन पर 12वीं द्विवार्षिक विश्व कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व कांग्रेस की ये शुरुआत, विश्व कांग्रेस की ये द्विवार्षिक सम्मेलन हुई है माउंटेन मेडिसिन पर, तो और ये 12th एडिशन था। ये चीज़ें क्लियर हो गई। पूछा जा रहा है ये कहाँ हुई है, ये काठमांडू में हुई है, नेपाल काठमांडू में हुई है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए काठमांडू, एंड इनका थीम था इस बार का जो विषय था वो था कि हिमालय के दिल में माउंटेन मेडिसिन था, ये इन्होंने थीम रखा था। हर सम्मेलन का एक थीम होता है। और ये चीज़ें हैं कि ये जो द्विवार्षिक विश्व कांग्रेस हुई है इस बार का, पहली बार इन्होंने नेपाल में किया है, ठीक है। और ये 4 दिनों का है, मतलब 4 दिनों का था। और इनका मुख्य रूप से था कि ऊंचाई पर पाए जाने वाले जितने भी औषधि है ना, औषधि के वैज्ञानिक और अनुसंधान पहलुओं पर ये केंद्रित था। ये इनका जो इस बार का समारोह कह लीजिए, सम्मेलन कह लीजिए, जो भी, तो ऊंचाई पर पाए जाने वाले औषधियाँ मैंने जितने, मतलब वैज्ञानिक तौर पर जितने दवाई वगैरह है उन्हें लेकर, इन सारे विषय पर ये केंद्रित था। तो बस हमें ये जानना है कि ये हुआ कहाँ था, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा वित्त पोषण परियोजना में सहयोग बढ़ाने के लिए SBI के साथ किस देश की बैंक ने सहमति जताई है, या किस बैंक ने सहमति जताई है किस लिए, पवन ऊर्जा वित्त पोषण परियोजना के लिए, ठीक है। ये पवन ऊर्जा में हेल्प करने वाली है, हमारे देश में पवन ऊर्जा को संरक्षित करने में हेल्प करने वाली है। ये बैंक कौन सी है जिन्होंने SBI के साथ सहमति जताई है, ये है आपके ऑप्शन ए, यूरोपीय निवेश बैंक ने इस सहमति को जताया है, ठीक है। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, यूरोपीय निवेश बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 8वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड को किस शहर में जारी किया गया? 8th एडिशन फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का 8th एडिशन हुआ, और ये किस शहर में हुआ, किस शहर में जारी किया गया, ये है आपकी मुंबई, ठीक है। 22 नवंबर को ये हुई थी मुंबई। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी मुंबई, एंड ये 22 नवंबर को हुई थी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड होता क्या है, या ये किन्हें सम्मानित करता है। तो देखिए, जितने भी कंपनीज हैं इंडिया में उसके, मान लीजिए CEO हो गए, जितने भी उद्यमी लोग हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि के जो लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में, व्यावसायिक नेता जो हैं, उन लोगों के उत्कृष्ट योगदान, मतलब उनके बहुत अच्छे, उनके कंपनीज़ में उनके योगदान के लिए ये जो अवार्ड है उन्हें दिया जाता है, इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और एक तरह से मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया में जितने भी कंपनी है ना उनके हेड को ये सम्मानित करती है। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स मिलता किस लिए है, या ये क्या है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो 8th एडिशन है ये किस शहर में किया गया, तो ये किया गया मुंबई में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी मुंबई। चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पहले तो हमने ये बात की कि ये हुआ कहाँ है और ये अवार्ड दिया क्यों जाता है। चूंकि ना इसमें 9 श्रेणी होते हैं टोटल, मतलब 9 कैटेगरी होती है, 9 कैटेगरी में ये अवार्ड मिलते हैं, तो इसमें 9 लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो ये जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए अच्छी चीज़ है कि हम जान के रखें। तो यहाँ पास लीडरशिप अवार्ड की मैं बात कर रही हूँ, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लीडरशिप में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है फोर्ब्स इंडिया का, तो इनका नाम है अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, एंड जी हाँ, हमारे ऑप्शन हो गए ए। देखिए, ये विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अजीम प्रेम जी, ठीक है। तो इन्हें ही फोर्ब्स इंडिया के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, और हमारे ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। 2018 नासी सकोपस यंग वैज्ञानिक पुरस्कार समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए, मैंने ना इसके कल एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि इसका, मैंने देखिए इसमें भी ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में एग्जाम अवार्ड दिए जाते हैं। मैंने इसका कल एक क्वेश्चन इंक्लूड भी किया था, श्रीवास्तव जी को ये मिला था। आज मैंने ये पूछा है कि ये किस शहर में हुई है, ये किस शहर में दिया गया, तो ये दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इस पुरस्कार को प्रस्तुत किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस पुरस्कार को दिया सबको। और ये हुई कहाँ थे, दिल्ली में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए।
अब मैं जैसे बात कर रही थी कि कुछ कुछ इसमें अवार्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे मैंने कल के, आप कल की वीडियोस चेक कर सकते हो, मैंने बात की थी कि श्री विमल चंद्र श्रीवास्तव जी को अवार्ड जो मिला है वो उनके पर्यावरण ध्वनि सतत विकास के लिए उन्हें नवाजा गया है, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं ओवरऑल जिन्हें ये इस अवार्ड से नवाजा गया है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय क्रिकेट नियामक मंडल ने किनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें पद पर बने रहने की मंजूरी दी है? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडल मतलब बीसीसीआई। अब बीसीसीआई ने, देखिए, एक शख्स पे ये आरोप, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए थे, ठीक है। तो और ये बात चल रही थी कि उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, पर उन्होंने इसे खारिज कर दिया, मतलब इसे गलत मान के इन्हें पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी है। और ये अभी बीसीसीआई के मतलब पद के ये सीईओ हैं, इनका क्या नाम है, ये है राहुल जोहरी। इन्हें ही पद से हटाने की बात चल रही थी क्योंकि इन पे आरोप लगे थे, पर इन्होंने सब खारिज करते हुए बीसीसीआई ने इन्हें फिर से पद पर रहने की मंजूरी दे दी है। तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं राहुल जोहरी को, एंड बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और मेल टीम के कोच की बात करूँ तो रवि शास्त्री हैं, फीमेल कोच टीम कोच की बात करूँ तो रमेश पवार है। ये कुछ चीज़ें हैं बीसीसीआई के बारे में जो आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ते हैं। किन्हें अपोलो टायर्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अपोलो टायर्स ये टायर बनाने वाली कंपनी है, अपोलो टायर्स, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ये है सचिन तेंदुलकर। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी सचिन तेंदुलकर। देखिए ये पहली बार हुआ है ना कि इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ा है लाइक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, तो ये है सचिन तेंदुलकर। हमारे ऑप्शन तो हो गए सी। और ये आगे 5 साल तक अभी अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर रहने वाले हैं, एंड वर्तमान में ही सचिन तेंदुलकर बीएमडब्ल्यू के भी एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। दो चीज़ें हो गई। और हाँ, पिछले 2 दशकों में एमआरएफ के सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे, जो कि अब विराट कोहली उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। अभी वर्तमान में सचिन तेंदुलकर एक तो अभी अपोलो टायर्स के लिए चुन लिए गए हैं और ये बीएमडब्ल्यू के ऑलरेडी हैं, ठीक है। क्या है ब्रांड एम्बेसडर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हें एयर एशिया इंडिया के मुख्य वाणिज्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? एयर एशिया इंडिया के मुख्य वाणिज्य अधिकारी कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है संजय कुमार। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी संजय कुमार। एंड देखिए ये दिसंबर से पूरे मतलब कार्यरत हो जाएंगे अपने पोस्ट पर, मतलब ये एयर एशिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी बन जाएंगे, सीसीओ बन जाएंगे संजय कुमार। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी। और ये इंडिगो के ना पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमआईटी वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित नो मूविंग पार्ट्स के साथ दुनिया का पहला आयरन ड्राइव विमान किस देश में बना? देखिए इन्होंने, होता क्या है लाइक कुछ भी जब बनता है, कुछ भी आप विमान कह लीजिए जब बनता है, तो उसमें क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं ना। इन्होंने नो मूविंग पार्ट्स मतलब उसके मूविंग पार्ट्स नहीं हैं, ये गति गतिविधि रहित भागों वाला विमान बना है। और ये किस देश में बनाया मैंने ये पूछा है, तो ये बनाया है एमआईटी वैज्ञानिकों ने, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि यूएसए की है, ठीक है, अमेरिका की है। एंड वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये गतिविधि रहित भागों वाला विमान बनाया है, जो ये क्या है मतलब इसका काम होगा जैसे जो अंतरिक्ष यान में यूज की जाने वाली जो तकनीक होती है ना, उसे और भी अनुकूल करने करके ये आगे बढ़ाता है। तो ये किसने बनाया है, ये है अमेरिका ने। और इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें कोई भी हानिकारक विकास जी हाँ कोई भी हानिकारक चीज़ें उत्पन्न नहीं होंगी। एंड इसका रख रखाव जो है, लागत है इसमें बहुत कम है, विमान में बिल्कुल भी शोर नहीं है, हानिकारक निकास उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेज है और ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का अमेरिका में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 83 ईयर्स ओल्ड के थे ये और इनका निधन हो गया है। ये हमारे भारत के शास्त्रीय संगीतकार की श्रेणी में आते हैं। इनका नाम है उस्ताद इमरत खान। हमारे ऑप्शन हो गए ए उस्ताद इमरत खान। देखिए इन्हें ना 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, पर इन्होंने इनकार कर दिया। इनके बारे में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसे इनकार कर दिया लेने से। इन्होंने ये कहा कि ये बहुत छोटा अवार्ड है इनके सामने,
और बहुत देर हो चुकी है। इस बात का मतलब ये था कि उनके जूनियर या फिर इन्होंने खुद जो मतलब अपने अंडर जिसे सिखाया है उन लोगों को इनके पहले पद्मश्री दे दिया गया था और उन्हें बाद में मिला, तो ये रीज़न था जिसने उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया है। तो खैर इनका अभी अमेरिका में निधन हो गया। और ये सितार और सुरबहार के लिए बहुत जाने जाते थे, याद रखिएगा, ये दो यंत्र के लिए ये जाने जाते थे अपने शास्त्रीय संगीत में, सितार और सुरबहार, और ये इटावा घराने से संबंधित थे। तो चीज़ें समझ आ गई सारी, ऑप्शन हो गए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन फिल्म पुरस्कार 2018 सम्मानित किया जाएगा? फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का पुरस्कार 2018 से किन्हें दिया जाएगा? इनका नाम है नंदिता दास। नंदिता दास को ये मिलेगा, और ये कब मिलेगा बात ये आती है, ठीक है? तो ये इन्हें 29 नवंबर को दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? फिल्मों में जो इनकी उपलब्धियां हैं ना, उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल की है उसी के मान्यता के आधार पर उन्हें ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पुरस्कार नवाजा जाएगा। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। झारखंड दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी, गोवा। झारखंड दिवस जो है ना गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए हम सब जान रहे हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अभी कहाँ चल रही थी, गोवा में। ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पहले। तो उन्होंने 24 नवंबर को झारखंड दिवस सेलिब्रेट किया गोवा में ही, जहाँ पास भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रही है गोवा में, और वहाँ चल रही थी। अब उसमें उन्होंने झारखंड दिवस को सेलिब्रेट किया, तो ये पहली बार हुआ है मतलब कि किसी राष्ट्र पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है फिल्म फेस्टिवल होने के बावजूद भी। तो इसमें क्या किया, झारखंड दिवस में उन्होंने झारखंड में जितने भी फिल्म बने हैं उन्हें दिखाया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि झारखंड 2018 की ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल थी ना, उसके लिए झारखंड जो इनका फोकस राज्य था, जिस मतलब झारखंड पे उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था, इस बार झारखंड को टारगेट किया था, तो झारखंड दिवस मनाया गया है गोवा में, ये ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंगल महल महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जंगल महल महोत्सव किस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है कोलकाता में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, कोलकाता। अब ये समझ लीजिए कि जंगल महल होता क्या है पहले। देखिए ये 23 नवंबर को हुआ था, जंगल महल महोत्सव का उद्घाटन 23 नवंबर को हुआ था, और ये 3 दिनों का है, मतलब ये 25 तक चलेगा, आज तक ये चलने वाला, क्योंकि 3 दिनों का था। अब देखिए इनका एम क्या है, ये जंगल महल महल जो महोत्सव ये मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि जंगल महल क्षेत्र की जितनी भी संस्कृति है और विरासत जो है वो उन्हें फिर से जीवित करना चाहते हैं और वो लोकप्रिय बनाना चाहते हैं उसे, ठीक है? ये इनका उद्देश्य है इसलिए ये मनाते हैं। जंगल महल है क्या? देखिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में जो भी पश्चिम एरिया है, लाइक मिदनापुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया जैसे जो क्षेत्र है ना, वहाँ के जंगली इलाके मिलकर जंगल महल क्षेत्र बनाते हैं। तो समझ में आ गई जंगल महल क्षेत्र क्या होता है, फिर जंगल महल महोत्सव क्या होता है, ताकि वहाँ की संस्कृति और विरासत को फिर से जीवित किया जाए और लोकप्रिय बनाया जाए दुनिया में। और ये हुआ कहाँ? कोलकाता में। हमारे ऑप्शन हो गए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाली यात्रा उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया है उड़ीसा में। ये तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है बाली यात्रा, तो ये हुआ है उड़ीसा में। ये 23 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, 2 दिसंबर तक चलने वाला है, और एक तरह से ये समझ लीजिए कि समुद्री महिमा का ये जश्न मनाया जाता है इसमें, समुद्र की जो महिमा है उसका इसमें जश्न मनाया जाता है। और इसके पीछे ये है कि ये प्राचीन नाविकों से जुड़ा हुआ है, जो नाव चलाने वाले नाविकों से, जिन्होंने हिंद महासागर के डिफरेंट डिफरेंट द्वीप समूहों के साथ इन्होंने समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार और जितने भी सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे, तो इन सब का एक तरह का ये जश्न है। इस रूप में ये बाली यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में, और ये 23 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, 2 दिसंबर तक चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक विकसित की है? मतलब किसके द्वारा ये प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण जो ये एक तकनीक है वो विकसित की गई है? ये है भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये भारत आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण को
विकसित किया गया है। अब इनका उद्देश्य क्या है कि वे बारिश के प्रभाव की निगरानी करेगी। मतलब देखिए, बारिश से जो नदी और जलाशय में जल स्तर मतलब वो बढ़ा या घटा, मतलब उसके वृद्धि का आकलन किया जाएगा इस तकनीक से। समझ आ गई चीजें, हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री वार्ता किस शहर में संपन्न हुई। मतलब तीसरा भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच की जो वार्ता हुई ये किस शहर में हुई, ये हुई है विशाखापट्टनम में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 25th of November के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।